नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुदे बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पंजाब सीएम का जयपुर दौरा रद्द, भोज की टाइमिंग से गलत मैसेज जाने का डर। केंद्रीय मंत्री के बेटे की जीप से किसानों को कुचलने की घटना के खिलाफ कांग्रेस कर रही है प्रदर्शन। प्रेमी ने की 40 वर्षीय प्रेमिका की हत्या, 5 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग। उधारी रुपयों के लेन देन के विवाद का हुआ था। प्रेमी ने घर छोड़ने के बहाने जंगल में सिर फोड़ा, फिर गला घोट कर मारा। डायन बताकर महिला को कुएं में फेंका, युवक बोला मेरी पत्नी को भाव आए हैं, उसने मुझे डायन बताया है, जान बचाकर दौड़ी तो कुएं में धक्का देकर भागा आरोपी। 7 साल की मासूम से दुष्कर्म की और हत्या के मामले में पॉक्सो कोर्ट में 2 दिन में 29 में से 26 गवाहों के बयान हुए। आज डीएनए एक्सपर्ट के बयान होंगे, अगले हफ्ते आ सकता है फैसला। किसानों पर लाठीचार्ज से हनुमान बेनीवाल नाराज, ट्वीट कर बोले सांसद लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज निंदनीय, कांग्रेस सरकार दिखा रही है अपनी संकीर्ण मानसिकता। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का जयपुर दौरा रद्द हो गया है। स्वास्थ्य कारणों के कारण चन्नी ने दौरा रद्द किया। इसके पीछे सियासी वजह को मुख्य कारण बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लाखीपुर खीरी की घटना को देखते हुए पंजाब सीएम का दौरा रद्द हुआ है। चरणजीत सिंह चन्नी का 11 जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम था। चन्नी करीब 3.25 घंटे जयपुर रुकने वाले थे। मंगलवार सुबह सामान्य प्रशासन विभाग को पंजाब सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री चन्नी का जयपुर दौरा रद्द होने की सूचना दी गई। चन्नी के आगे जयपुर दौरे की भी कोई तारीख नहीं दी गई है। अचानक चन्नी का जयपुर दौरा रद्द करने की सियासी हलकों में चर्चाएं शुरू हो गई है। शहर के कानोता इलाके में 40 वर्षीय एक महिला के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए एक व्यक्ति को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतका और आरोपी के बीच पिछले 4-5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। हत्या की वारदात उधारी रुपयों को लेकर विवाद में और प्रेम प्रसंग से छुटकारा पाने के लिए की गई है। हत्या कर फरार हुए आरोपी की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए पुलिस को जयपुर में रविंद्र मंच से लेकर घाट की गुनी टनल पर, टॉल से लेकर आगरा रोड पर कानोता तक करीब 15 किलोमीटर के दायरे में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने पड़े। मोबाइल कॉल लोकेशन और आसपास के लोगों से बातचीत कर संदिग्धों के बारे में जानकारी जुटाई, तब जाकर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हुआ। ACP सांखला के मुताबिक अली मोहम्मद उर्फ कल्लू ने पूछताछ में बताया कि वह रामनिवास बाग के आसपास ही ई रिक्शा चलाता है। मृतका उंगती देवी उसी के रिक्शे में बाजार और घर आती जाती थी। पिछले करीब 4-5 साल से अच्छी जान पहचान होने पर प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बीच मृतका के पति की भी मौत हो गई। अली मोहम्मद ने हत्या की साजिश रची। 2 अक्टूबर को उंगती को देर शाम घर छोड़ने के बहाने ई रिक्शा में बिठा कर बगराना ले गया। वहां अंधेरे का फायदा उठाकर सुनसान जगह पर उंगती के सिर में भारी चोट मारकर बेहोश कर दिया, फिर गला घोटकर हत्या कर दी। इसके बाद लाश को झाड़ियों के बीच छिपाकर भाग निकला। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुरा थाना क्षेत्र के उलेगा गांव में अंधविश्वास में बहरेमी से पीटने का मामला सामने आया है। एक युवक ने अपने ही गाँव की 65 वर्षीय महिला को डायन बताकर पीटा, फिर महिला को कुएं में धक्का दे दिया। कुएं के पास से गुजर रहे ग्रामीणों ने महिला की आवाज सुनी तो उसे बाहर निकाला। इसके बाद पूरा मामला सामने आ गया। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बुजुर्ग महिला का हाथ फ्रैक्चर हो गया है, वहीं शरीर पर कई चोटें भी आई है। जहाजपुर पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार उलेगा गांव में रहने वाली 65 वर्षीय महिला ने गांव के ही फोरू मीना के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। बुजुर्ग महिला का आरोप है कि वह सोमवार दोपहर को अपने खेत पर गाय लेकर गई थी। इस दौरान आरोपी फोरू मीना उसके खेत पर आया, उसने कहा कि मेरी पत्नी को भाव आए हैं, मुझे डायन बताया। इसके बाद आरोपी ने बुजुर्ग महिला को कुल्हाड़ी के डंडे से पीटना शुरू कर दिया। बुजुर्ग महिला अपनी जान बचाते हुए खेत से भागने लगी, लेकिन आरोपी ने खेत में कुएं में उसे धक्का दे दिया, फिर वहां से भाग गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को कुएं से बाहर निकाला और उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने आरोपी फोरू मीना को हिरासत में ले लिया है। नागौर के थाना क्षेत्र में 20 सितंबर को 7 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में जिला पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पादुकला थाना पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ मात्र 6 दिन के भीतर जांच पूरी कर 27 सितंबर को मेड़ता स्थित पॉक्सो कोर्ट के समक्ष चार्जशीट पेश कर दी है। इसके बाद कोर्ट में 7 दिन में कुल 29 गवाहों में से 26 गवाहों के बयान करवाए जा रहे हैं।
इस मामले में एक दिन पहले सोमवार को डीएनए रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश कर दी गई। वहीं अब मंगलवार को जयपुर से डीएनए एक्सपर्ट डॉक्टर आर के कुमावत और मामले के दोनों आईओ डेगाना डिप्टी और पादुकला एसएचओ के बयान भी करवा लिए जा सकते हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में ही मेड़ता स्थित पॉक्सो कोर्ट की जज रेखा राठौड़ इस मामले में अपना फैसला सुना देगी। आरोपी दिनेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़ में आते ही आरोपी दिनेश से पूछताछ में अपना जुर्म कबूला है। पुलिस ने 21 सितंबर को अपहरण, पॉक्सो, मर्डर और रेप की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इसके बाद प्रकरण से जुड़े सभी गवाहों के बयान और दस्तावेज तैयार किए गए और 27 सितंबर को पुलिस ने सभी आरोपों में जुर्म प्रमाणित मान मेड़ता स्थित पॉक्सो कोर्ट में आरोपी दिनेश के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी थी। हनुमानगढ़ जिले में धान की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे किसानों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज मामले को लेकर आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल आग बबूला हो गए हैं और उन्होंने किसानों के समर्थन में ट्वीट करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस मामले में उन्होंने सरकार को घेरते हुए पुलिस लाठीचार्ज पर गहरी नाराजगी जताई है और इस घटना को निंदनीय बताया है। आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर कहा कि हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर धान के समर्थन मूल्य पर खरीद और केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में लोकतांत्रिक रूप से अपनी मांग रख रहे किसानों पर पुलिस लाठीचार्ज निंदनीय है। ऐसा कृत्य प्रदेश सरकार की किसानों के प्रति संकीर्ण मानसिकता को भी दर्शाता है। इसके आगे आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने दूसरे ट्वीट में घटना का वीडियो शेयर करते हुए सीएम अशोक गहलोत से कहा कि हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट पर जिस तरह पुलिस किसानों पर लाठीचार्ज कर रही है उसे जाहिर है कि केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध को लेकर आपकी सरकार और आपकी पार्टी मात्र दिखावा कर रही है, अन्यथा वाजिब मांग कर रहे अन्नदाताओं पर लाठियां क्यों बरसाई जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।